सृष्टि के निर्माण जहिया भइल तो ब्रह्मा जी शरीर बनौले, इस शरीर में जीव ना रहे, तो भगवान कहले सजी हाथ गोड़ बना दिलिए जौने में जीव ना रही, एक अस्तित्व का बा। तो ब्रह्मा जी कहले हम सृष्टि के निर्माण कैले बने लेकिन जीव ना बन, तो भगवान कहले शरीर में जीव हम बन, ईश्वर अंश जीव अभी। राम को अक्षर में लिखा बा, राम दो अक्षर में, माता को अक्षर में लिखा गया जिनका दरबार है दो अक्षर में, सांस को अक्षर में लिखा गया दो अक्षर। इस सृष्टि का निर्माण जब ब्रह्मा जी कहले तो शरीर पर जितना पुर्जा भाई दुई अक्षर में लिखले, अपने देही के पुर्जा रुआ देख ले, बाल को अक्षर में बा, बाल बाल आंख केवल दो अक्षर में बता रहे हैं, बाल आंख नाक गाल ओठ दांत मुंह जीभ दाढ़ी गला छाती पीठ पेट पैर हाथ को अक्षर में हो रहा है, सुन रहे हैं ना, दो अक्षर। अंदर आ जाइए, हाड़ चाम नस खून मांस ये को अक्षर में हो रहा है, दो अक्षर। जौनी खानदान से हमनी का पैदा होता नहीं हो दुई अक्षर में, नाना नानी मामा मामी अम्मा पापा चाचा चाची मौसी मौसा भैया भाभी दीदी जीजा फूआ फूफा ये को अक्षर में होता हो। और एक निवेदन करेंगे, जितने लोग यहाँ बैठे हैं पहले सुनिए, अगर राधा स्वामी वाले आप होंगे आपका भी बोध हम करने के लिए बैठे हैं, निरंकारी अगर संत हैं तो आपका भी बोध हम करेंगे, जय गुरुदेव वाले हैं तो आपका भी बोध हम करेंगे, ओम ओम शांति वाले, अरे नया चला है, ओम शांति वाले होंगे तो आपका भी बोध करेंगे, शिव चर्चा वाले अगर बैठे हैं तो सबका बोध हम करेंगे। लेकिन एक बात बताइएगा, चंद्रमा एक होते हैं कि दो? नहीं बोलेंगे, एक। सूर्य भगवान एक है कि दो? ये पृथ्वी एक है कि दो? आसमान एक है कि दो? और भगवान को है? अरे भजने का तरीका महाराज अलग अलग है ना, ना बुझाई बात, भजने का तरीका अलग अलग आप लोग का है, और बड़ी सुंदर भाव है। अभी जवानी में समझ नहीं आएगा तो बुढ़ौती में कुछ काम करेगा नहीं। बहुत लोग कहला ये बाबा अभी जवानी बा बुढ़ौती में कथा उथा सुनो। अच्छा बताइए, बाबा धाम जवानी में जाए चाहिए कि बुढ़ौती में? जवानी में। अयोध्या जवानी में जाए कि बुढ़ौती में? जितना काम करना उतना फिल्मी गाना बजाइएगा। का नाम है दीदी तेरा देवर दीवाना, लेकिन एक लाइन भजन में आप सुनेंगे, अरे काटेला काटेला जवानी में चानी, बोलो लक्ष्मी महारानी की, काटेला अरे काटेला जवानी में चानी, बबुआ जाई उतर जाई। रामनगर के बुढ़ऊ लोग से पूछा जवानी में के तरह रहल, इतनी पर कौन दशा होता? नहीं होगा,
नहीं होगा। जितने नौजवान यहाँ खड़े हैं चाहे बैठे हैं, एक दिन तोहरो टाइमो आई तई बुढ़ोन के तक कट गए। ले बाबू, बड़ा भाग्यशाली बुजुर्ग हैं जो अपने बुजुर्गी को देख रहे हैं। काजनी हमनी के अपन बुढ़ौती आंखी से देखल जाए कि ना। एक कलयुग में 60 बरस के उम्र बा, 60 बरस के बाद जे जिया था वो बोनस में चला था। इस उम्र का कोई कांटा नहीं है। और बड़े भाग्यशाली व्यक्ति वो है जो अपनी बुजुर्गी देख रहे हैं। अब रुआ के आज के कथा में हमले चली प्रवचन। असल में देखब जीवन में जौन कैल बा उहे समझ में आवेला बात। एक जगह ही सी चर्चा होत रहे, तने हमरा और ध्यान दे। तो चार गो चोर चोरी करे चलने से आ सी चर्चे में जाके चारों चोर बैठ गए। आ जब भगवान शंकर जी के प्रवचन सुनले सो तो कहले से बाबा अब हमनों के चल के शंकर जी के रूप धुई जगावल जा। जाके जंगल में चारों चोर हाथ उठा के ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। आ जब तपस्या कैले थो तो शंकर जी तुरंत प्रकट हो गए। शंकर जी कहले काहे बोलौलह लोगे, का बात बा। चारों चोर खड़ा बड़े, पहला चोर कहले बाबा हम चोर हैं। शंकर जी कहले आयल बड़े तो कौन वरदान मांग ले। अरे हम दानी हैं, यही सब देव देव हो, हमार नाम महादेव हो, तब कुछ वरदान मांग ले। तब पहला चोर कहल बाबा हमके वरदान ये दे दी, हम गड्डी के गड्डी नोट लूटत रही है तिजोरी तूर के। चोरवा कहल कि गड्डी का गड्डी नोट लूटत रही है, वरदान दे दी हमरा घर में सो गड्डी का गड्डी नोट भर जा। शंकर जी कहले ओ मस्त, जो तोरा घर में गड्डी का गड्डी नोट भर जाई। दूसरा से पूछले ते का लेबे, कहले हम रुपया नहीं लूटत रही हो, तिजोरी तूर के गहना लूटत रही है, गहना बिखो लूटत रही है। दूसरा से कहले ते का लेबे, कहले से हम गहना ले और हम रुपया लेब, हम थान के थान कपड़ा लूटत रही है, हमके वरदान दे दी हमरा घर में कपड़ा भर जा। शंकर जी कहले यो मस्त, तीन गो वरदान पा गए, सो चौथा से पूछले ते का लेबे, कहले से हम वरदान नहीं दी। शंकर जी कहले ऋषि आ गए का, कहले से ऋषि आई नहीं बनी, वरदान हम ना ले। शंकर जी कहले जब आ गए बन के कुछ मांग ले। चौथा चोर कहले बाबा हम ना रुपया लेब, ना गड्डी लेब, ना कपड़ा लेब, हमके इतने करी जौने जौने के वरदान देले बनी, एक उनके घर के पता बता दी, सामान कहाँ धरी है कुल। शंकर जी कहले तने फिर बताइबे, कहले कि एक उनके घर के पर्चे बता दी, इस सौदा कहाँ धरी है सब। को को सुधर गई ना, तीन को सुधर गई ना, मैंने वो लूटी बतिया बुझाता कि ना। तो कथा में बैठने का मतलब अपने विचार को बदलो, आचरण बदले, स्वभाव बदले। 5 वीरेंद्र बाबा का प्रवचन यहाँ हो जाए ना तो किसी के स्टंप ला करके मुझसे लिखा पढ़ी करा लीजिएगा, 50% बुराई तो हटाइए देंगे। जैया से तो लक्ष्मी जी धरा तड़ी, तैया से कथावा भय लेते हे जुगरो न लोग के चले के बैठे के उठे के समझ में आ जाए कि वीरेंद्र बाबा का बोला। बोलो शंकर भगवान की जय। आइए हम कथा में ले चले आज। अब रुरा अपना सीताराम जौनी पक्ष में रुरा बैठल बनी है प्रवचन आज हमार बा। कल अमावस्या है, कार्तिक का अमावस्या कल है महाराज, और लक्ष्मी पूजा हम लोग मनाते क्यों है, कारण क्या है। अब देखिए लक्ष्मी का उत्पत्ति जो है ना हमारा, लक्ष्मी जहां से प्रकट हुई है समुद्र से लक्ष्मी जी आई हैं, सभी लोग आप लोग जानते हैं। और लक्ष्मी का पूजा कब होता है, क्यों होता है, काहे लिए होता है, ये कथा में हम विस्तार आपको देंगे। लेकिन कल सबके वहां दीपक जलेगा, दीपक सबके घर में जलेगा कि नहीं जलेगा, सब लोग जलाएंगे। तो ये दीपक कोई खेल खिलाना नहीं है, राम जी रावण को वध किए हैं लंका में जाकर के, और अयोध्या में राम जी कब आए हैं, कौन टाइम वहां पर, अरे बिहनई के दिनों का होता है। 14 बरस के बाद सीता लक्ष्मी है साथ में लेकर के, सीता को लेकर के लक्ष्मण को लेकर के राम जी सारा सेना सहित अयोध्या में कब आए हैं, काल के दिन जौन बा हमने कहा, काले के दिन ना बा, भगवान का आगमन हुआ है।
और यहीं से कथा प्रारंभ हो रही है। देखिए कथा में तो बहुत कुछ हम बोलते हैं, लेकिन ये कथा केवल लक्ष्मी का प्राकट्य और लक्ष्मी की कथा, ओ शंकर जी की चर्चा इसमें मिलेगी। लक्ष्मी जी क्या कर सकती हैं, कब किसके साथ, ये आपको समझना। ए लड़का, असल में बुर्बकवा कहीं चिन्हा जाए, वो लड़की अपना ससुरा गए, और ससुरा गए तो 5 दिन बीतल तब तो हिमगंगे तेल खोल लो हिमगंगा बुझे तह ना महका हुआ महका चल तब कहोला भूतलावा महका हुआ तेल खोल लो तो कलच कपार पर धोरी तौले एगो छोट देवर रहे हतौ ते रहल देवर देवरा कहल से भौजी छ छुमर मोल का बसात भौजैया कहल केहू पकड़ैले बड़का अरे हिमगंगे तेल महकौआ तोरा छुनर मोल बा देवरा कहल से भौजी देबू देवरा हथवा पसरल आ जेऊ भौजैया ढरल तौले देवरा लब दे चाट लियल चटल बस 8-9 छचकना चटा चट मरती तो बा कहल काकाए काय चटल रे अभी रोवा दुआरी पर गइले जिनसे बियाहवा भइले कहले काहे रोतड़ दुए भाई रहले सोई छोटका देवरा हो आई मर्द हो कहले काहे रोतड़ तो छोटका भाईवा कहल कि बाप रे बापी ई गइली है तेल मंगली है भौजी हमके कही तमें चमार देली भाईवा कहल चलबे ई बदमाश बेकारी बहिया पकड़ले गइले कहले काहे मरलू हो तर नैहर के ये संस्कार हो ई लोल्हा बोल्हा देवर हम तोहर मर्द काहे मरलू हो दुल्हनिया कहल हमार गलती नहीं बा हिमगंगे थेल खोले तई कहत अच्छा छुनर मोल बा कहनी हे बाबू हिमगंगे हाथे पर देनी चटल सा चाटी तो पिटाई नहीं काहे चटल सा तई जिन से भी हवा भले ही कहना कि पागल बा काहे चटले रे इतना तेल लकाए ना रोटी पर पोत के खा घर ले रे बखलो लवा दुल्हनिया कहल सोसे दोगला तई बा 10 गाड़ी नहु के दी हल कहल बापे दे तेल देखले बड़ा सोरी अरे हिमगंगे तेल रोटी पर पोताई दे बकलोल कही के 4 गाड़ी हो सुनल कपारे हाथ लगा के बैठल बड़े छोटका रोवा तो तोले बूढ़ी आया कलस कैसन हल्ला होता हो बड़का कलस माई बिया ठगा गल बाबू का मारत या धाय धाय हमके गरी आवत या बहिया पकड़ ले बूढ़िया गल कलस ए दुल्हन तर नैहर के ये संस्कार हो कहे मरलू हो दुल्हनिया कलस हमार गलती नहीं बा हिमगंगे तेल खोली तई कहत अच्छा छुमर बोल बा कहनी ये बाबू हिमगंगे के हाथे पर देनी चटल सा चाटी ते पिटाई ना आई हई मल छवा कहत कहन रोटी पर फुटे ये कुल सभ्यता हो बुढ़िया कहले तू के दोनों दोगला बाड़ा सो कहे उल्टा पुल्टा बोले गले सो बताओ इतना तेल लो लो दाल छौका ले तो घर भर नहीं खाई रे दुल्हनिया कहले गुजर तो हो भर बारी के बारी कोई दासी बतिया बुझाता ना शिक्षा तो महाराज बड़ी जरूरी है और जिस घर में शिक्षा नहीं रहेगा आइए हम लोग ले चले कथा की तरफ। आज का प्रवचन क्या होना है बड़ी ध्यान से थोड़ा भगवान से निवेदन। मंगल भवन या मंगल अरे मंगल भवन मंगल